हाय फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपको खोया बनाना बताने जा रही हूँ। कि जो खोया तो सब लोग को पता है कैसे बनता है, पर जो बहुत जल्दी बन जाए और ये कम दूध में ज़्यादा खोया कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो जिसके लिए देखिए अभी दिवाली आ रहा है तो बहुत सारे काम हैं, तो फटाफट कैसे काम निपटाना है उसके लिए देखिए ये मैं 3 से 4 मिनट में ये खोया रेडी हुआ है। तो ये तो इंस्टेंट खोया तैयार हो गया है। और ये देखिए ये 500 यानी कि आधा किलो दूध में, हाफ लीटर दूध में इतना सारा खोया तैयार हुआ है। तो जिसके लिए मैं इसमें क्या एक चीज़ डाली तो वो मैं आगे चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं कैसे ये खोया तैयार की हूँ, कि ये आधा किलो दूध में इतना ज़्यादा कैसे तैयार हुआ और ये 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट में ये कैसे तैयार हुआ है। तो वो इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं कि ये कैसे मैं बनाई हूँ। जो देखिए जिसके लिए मैं दूध इधर 500 ml इधर दूध चढ़ा दी हूँ और इधर 1 कप दूध चढ़ाई हूँ। तो ये 1 कप दूध चढ़ाई हूँ तो ये 3 से 4 मिनट में खोया तैयार हो जाएगा और ये 500 ml से खोया ज़्यादा तैयार होगा। और खोया तो जिसके लिए मैं फ्लेम को हाई रख लेती हूँ और दूध उबलने देती हूँ। और ये भी उबल रहा है, इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहें और किनारे से भी इसे चढ़ाते रहें। और इधर जो दूध है उसमें मैं 1 कप दूध ली हूँ और 1 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। ये आपका 3 से 4 मिनट में खोया तैयार हो जाएगा। और इसे अच्छे से फुल फ्लेम ही है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि इसमें गांठें ना रहें। ये देखिए फ्रेंड्स ये तैयार होने लगा है तो इसे कंटिन्यू चलाएं। अभी मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच या आधा चम्मच भी डाल सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। इस तरह से अभी कंटिन्यू चलाएं कि ये नीचे चिपके नहीं। ये बर्तन बिल्कुल छोड़ रहा है यानी बिल्कुल ये खोया रेडी है। बस थोड़ा सा इसे और मिक्स कर लेते हैं, हाई फ्लेम ही रखे, तुरंत बन जाएगा ये। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कितना दानेदार और कितना सुंदर देखने में भी लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये बिल्कुल इंस्टेंट खोया तैयार हो गया है। और इस खोए में भी एक चीज़ मैं डालूंगी तो जिससे देखिए, और आप इस खोए के लिए जैसे अगर गाय का दूध हो या जैसे हम मलाई निकाल देते हैं उस दूध से भी आप बना सकते हैं, कोई भी दूध हो उससे ही बनाएंगे तो खोया आपका ज़्यादा ही तैयार होगा। अभी ये दूध देखिए कंटिन्यू चलाते हुए बीच बीच में 1-8 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पर उस टाइम फ्लेम कम कर दीजिएगा। मगर फुल फ्लेम पे बनाने से क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, पर ये खोया बहुत वाइट जैसा होगा, नहीं तो थोड़ा रेड रेड हो जाता है। अब ये दूध बहुत गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी मलाई डाल रही हूँ, जो घर में अवेलेबल होता है मलाई, तो वो मैं 1/2 कटोरी डाल देती हूँ। और अगर आपका फ्रीजर में रखा हुआ हो मलाई तो उसे रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, उसके बाद दूध में ऐड करें, डायरेक्ट ठंडा ना डालें। अब सुखा लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में अगर बना रहे हो तो दूध डालने से पहले, जैसे कढ़ाई में हम दूध डालें तो दूध डालने से पहले उसमें 2-4 चम्मच पानी डाल दें, जिससे क्या है कि चिपकेगा नहीं। और इस तरह से किनारे किनारे अच्छे से निकालते हुए जाएं और इसे कंटिन्यू चलाएं हाई फ्लेम पे। ये अब सूखने वाला है तो जब ये स्टेज पे आ जाए, देखिए कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है, तो इसे बिल्कुल छोड़े नहीं, चलाते रहें, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा और फिर जलने की इसमें स्मेल सा आने लगता है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो हमारा जब अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगा। और ये देखिए, ये खोया भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए, आधा किलो दूध से कितना, यानी हाफ लीटर दूध से कितना खोया तैयार हो गया है और कलर भी कितना सुंदर आया है। अब दिवाली में भी काम मिठाई बनाना इजी हो जाएगा।